नहीं आएगा, तेरे हाथ में नहीं आएगा, ये तो मेरे से भी नहीं पकड़ा जाता। अभी साफ कर रहा था तो एक मुर्गी बार बार अंदर जा रही थी जी, नेस्ट बॉक्स में जो इनके लिए बनाए हैं। तो अभी पता नहीं सुबह, लो जी सुबह सुबह अंडा, दो अंडे। दोस्तों एक कोइंसिडेंस ऐसा है, जब भी मैं अंडे उठाता हूँ या अंडों के बारे में बात करता हूँ तो हमारे मिस्त्री जी जरूर पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं, ये नहीं मान रहा जी, ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो इसको बंद ही करो, इसकी सजा ये है कि ये रहेगा इसके अंदर। आ गया जी हमारा बादशाह भी आ गया है इनके बीच में, ये बादशाह ही है जी। ये देखो जी ये आसपास घूमे जा रहा है, झाड़ू का ये बिल्कुल दुश्मन है जी, झाड़ू ये नहीं छोड़ता बिल्कुल भी, नीचे भी घर में जब ये झाड़ू जहाँ भी होगी काट देता है, या फिर देखो जी इस तरह से पता नहीं अपने को रगड़ता रहता है गले पे, तो जी ये काम नहीं करने देता आके। देखो ये देखो मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये जो है बार बार फैलाया जा रहा है जी, ये काम करता है हमारा राजा ये देखो। हाँ जी फ्रेंड्स, साफ सफाई करने के बाद अब जो है जी बर्तनों को भी अच्छे से धो दिया है, बर्तनों को अच्छे से साफ करके जी खाना रख दिया है जी अपनी मुर्गियों के लिए। तो इनको भूख लगी होगी तो फटाफट से जी खोल देता हूँ, दरवाजा कर देते हैं बंद। राजा फिर अंदर आ गया है, इसने मुझे बड़ा तंग किया जी, सफाई नहीं करने देता बिल्कुल भी। चलो अभी छोटी खाना आ जाओ, काफी देर से भूख लगी थी। और अभी साफ कर रहा था तो एक मुर्गी बार बार अंदर जा रही थी जी, नेस्ट बॉक्स में जो इनके लिए बनाए हैं। तो अभी पता नहीं सुबह, लो जी सुबह सुबह अंडा, दो अंडे। लो जी दोस्तों दो अंडे मिले हैं जी, और एग का साइज काफी अब इंक्रीज हो चुका है पहले के मुकाबले, देख सकते हैं जी। कल हमें 3 अंडे मिले थे और अभी सुबह 9 बजे का टाइम है और 2 अंडे हमारे को मिले हैं जी। तो हमारी सारी मुर्गियां प्रॉपरली अंडे दे रही हैं जी। दोस्तों हम ऑर्गेनिकली मुर्गियों को पाल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इनको सारी चीज़ें ऐसी देता हूं, क्योंकि जो अंडे वगैरह हम भी यूज़ करते हैं तो दवाइयों का मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करता हूं, ना के बराबर करता हूं। मैंने बताया था शुरू शुरू में लीवर टॉनिक जो होता है, लीवर 52 और विमराल जो मल्टीविटामिन, वो कभी कभी दिया करता था। बाकी जी हम ज़्यादातर मैं ये चीज़ें देता हूँ, सब्जियाँ वगैरह हो गई, पुदीना हो गया, और ये मतलब लहसुन प्याज वगैरह, तो इन चीज़ों से भी हमारी मुर्गियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हैं जी, अच्छा खाना देते हैं, चावल वगैरह फुलके रोटी दाना मिक्स दाना है वो सब भी मैं दिया करता हूँ। तो क्योंकि हम जो चीज़ इनको देते हैं खाने के लिए उन्हीं चीज़ों से, वही चीज़ें जो है जी अंडे में भी हमारे को जो है अंडे में भी वही चीज़ें हमारे को प्राप्त होती हैं, तो जो हम इनको खिलाते हैं तो अच्छा देंगे तो अच्छी ही चीजें मिलेंगी। क्यों मिस्त्री जी, मिस्त्री जी भी आ चुके हैं। हाँ जी अंडा, ये अंडा भी दिया, काफी बड़ा साइज है ना, एक काफी बड़ा साइज है, पता नहीं लाल वाली में से दे रही हैं। तो मिस्त्री जी पूछ रहे कौन सी ने अंडा दिया, जैसे ही दोस्तों एक कोइंसिडेंस ऐसा है, जब भी मैं अंडे उठाता हूँ या अंडों के बारे में बात करता हूँ तो हमारे मिस्त्री जी जरूर पहुंच जाते हैं और वो पूछते हैं कि आज कितने अंडे दिए। अब ये पता नहीं यहाँ पे चली गई है जी हमारी एक मुर्गी अंदर, तो केजेस बढ़िया से साफ कर दिए, ये नहीं कर पा रहा था जी, और अंदर से अपना राजा का भी हमने जो है जो केज है वो भी बहुत अच्छे से साफ कर दिया, थोड़ा सा रह गया है जी हमारी छोटी सना का, तो ये भी कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादातर पूरे दिन का जो है बाहर खुली रहती है मुर्गी हमारी, और बाकी के जो बंद होते हैं। असील मुर्गा रह गया है तो इसको भी मैं खोल देता हूँ, आ जा भाई चल। ये देखो जी आ गया जी हमारा बादशाह भी आ गया है इनके बीच में, ये बादशाह ही है जी क्योंकि इन सभी पे राज करता है, सभी से डरते हैं, ये सबसे ऊपर जी, उसके बाद वो, और फिर जो है ये आता है जी, मतलब इनमें सब में जो है आपस में बंटवारा हुआ हुआ है, पोजीशंस है जी हमारी मुर्गियों में भी, सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये। राजा क्या चक्कर है, बाहर जाना है, चल। इसने पानी वगैरह पी लिया है जी, अभी कुछ खाना वगैरह दे दिया था इसको खाने को, पर ये जो है एक जगह टिकता नहीं है, ढंग से नहीं खाता है, तो बाकियों की बारी आएगी जी बाद में, अंदर इनको खाना वगैरह रख देता हूँ। सबके बर्तनों को अच्छे से धो दिया अंदर से भी, जितने केजेस में लगे हुए थे बर्तन मैंने धो के, मैं आपको दिखाता हूँ, बाल्टी है सरिया लेने चलते हैं। तो ये बाल्टी भर दी थी जी पानी से और बर्तन धो के, यहाँ पे अब सूख रहे हैं बर्तन, इनमें पानी फिल कर देंगे और सभी के केजेस में लगा देंगे। तो मौसम जी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, और ये देखो जी व्हाइट कबूतर उड़ता हुआ आया, ये पालतू कबूतर है शायद मेरे पिछली तरफ, हाँ नहीं ये कहीं लंबा निकल गया जी। ये लो जी ये दोबारा से आ गया जी, पता नहीं ये, हाँ ये पाला हुआ है किसी का शायद, मेरे इस तरफ भी कबूतर पाले हैं, वहाँ भी वहाँ भी, काफ़ी लोगों ने आसपास जी जो है ये कबूतर पाल रखे हैं जी, जो उड़ाने वाले होते हैं फ्लाइंग फ्लाइंग पिजन्स यानी बाजी वाले कबूतर जिन्हें कहते हैं, तो वो पाल रखे हैं। गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो मैंने इसलिए सुबह सुबह कर दी है साफ़ सफाई। लो जी ये देखो इसको बाहर भी मैंने खाने के लिए रखा हुआ है, लो इसकी मर्जी का मालिक है जी राजा साहब, तभी इसका नाम राजा है, जहाँ दिल करता है वहाँ अपना खाना खा रहा है।
हमारे असील की खासियत ये है कि जी ये मारता नहीं है राजा को। बाकी जो वो छोटी सेना हमारी पहले पहले जब ये नीचे हुआ करते थे, जब इकट्ठे होते थे, तो ये जो है जी इसको मारते थे, कई बार इसके जो बाल भी निकाल देते थे। अगर आप पुराने व्लॉग्स हमारे देखेंगे तो साफ सफाई तो बढ़िया कर दी है जी, अब देखते हैं कितने दिन तक ये सफाई रहने देंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ऊपर से नीचे आके साफ सफाई करके, और देखो जी अनु के हाथ में कितना रिलीफ महसूस कर रहा है बच्चा। डब्बे में बड़ा शोर मचा रहा था, ची 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 कर रहा था, पर ये भी जी फीलिंग्स को समझते हैं। तोते का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे जी। तो जब हमारा टुक टुक थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा तो इसके साथ साथ हम बोलना भी इसको सिखाएंगे, कोशिश करेंगे अगर हम ये बोलता है तो। बाकी आप लोग ज़रूर बताना जी ये कौन सी ब्रीड है, मतलब तोते में अगर आप लोगों को कोई जानने वाला है, और क्या ये बोलना सीख सकता है अगर हम इसके साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करें तो। सो प्लीज़ आप लोग बताएं कि सुबह हम नोटिस कर रहे थे चोट इसके बहुत ज़्यादा थी। आप लोग देख के बताना जी, जो कोई हमारा पैरेट भाई पालता है या कोई भी है, तो ये गले में कहीं चोट तो नहीं है? वैसे तो मसल सा लग रहा है पर छूने पर ऐसा कोई वो नहीं लग रहा है, है तो ये बोन है जी अंदर, गले की जो हड्डी है दिखाई दे रही। बाकी हाथ में देखो जी चुपचाप है। अच्छा तेरे को हाथ में लेके रखे हैं, घर में नहीं सोना है, हाथ ही में रहना है ऐसे ही? हाँ जी फ्रेंड्स, तो टाइम हो चुका है जी, टुक टुक को खाना खिला रहे हैं देख सकते हैं आप, और फीड जो लगभग ख़त्म हो चुकी है, और अभी अभी बनाया था जी इसका फीड। तो आज जो है जी 5th day हो चुका है हमारे टुक टुक को हमारे पास आए हुए। बाकी मैं देख रहा था दोस्तों YouTube पे भी कि ये हमारा जो पैरेट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ओके जी बाय। लो जी खाना खा चुका है जी टुक टुक जो है, देख सकते हैं जी। अब थोड़ा सा ये चारों तरफ जो है इधर उधर मुंह को मारता रहता है तो थोड़ा गंदा हो जाता है बच्चा। बाकी इसको क्लीन कर देंगे अभी, और यहाँ पे कॉटन वगैरह भी हमने अच्छे से इसमें रखा हुआ है जी, इसको जिस तरह से ब्रूडर में एक तरह से रखते हैं, पर जो है टेम्परेचर है जी काफ़ी है यहाँ पे, गर्मी जो है, अब मौसम जो है वैसे भी गर्म है, तो फिलहाल जी इस तरह से रखा हुआ है चारों तरफ, ताकि इसको कहीं पर इधर उधर से ये जो है दूर दूर ही रखते हैं हम, ताकि इसमें अपना आराम से रह सके जो बच्चा है। बाकी सिरिंज रखी हुई है जी, इस तरह से इसको फीड करवा देते हैं, और चोट भी देखेंगे आप काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, देखो ये देखो जी। हाँ जी फ्रेंड्स, आ चुका हूँ जी छत पर, और शाम का टाइम है जी देख सकते हैं आप, और सूरज जो है ढलने ही वाला है, सनसेट का सीन देख सकते हैं आप सामने। हाँ जी फ्रेंड्स, तो दोबारा से आया हूँ जी छत पर, और खाने के लिए लेकर आया हूँ जी अपने छोटी सेना के लिए और सारे बर्ड्स के लिए कुछ जो है जी चकुंदर के पत्ते हैं, खीरे हैं, सब कुछ मिक्स है। तो आजकल जाली का दरवाज़ा मैं खोल के जाता हूँ ताकि इनको हवा भी लगती रहे, और साथ साथ लो जी ताकि इनको हवा भी लगती रहे और आराम से जो हमारी छोटी सेना है और सारे बर्ड्स को क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी हमने बड़े बड़े से ये खिड़कियाँ छोड़ी हैं इस तरफ भी। इनको रखने का ही रीज़न ये था जी, क्योंकि गर्मियों में दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, इसी वजह से ऐसा किया था। ये देखो जी कहाँ चढ़ के बैठे हुए हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चलो नीचे चल। ये देखो जी ये यहीं पर आ गए, चलो लो आ जाओ, लो 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 आ जाओ, ये लो आ जाओ, खाओ 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 आ जाओ। लो जी असील मुर्गा बुला रहा है जी आवाज़ें मार मार के, राजा आ जा तू भी, लो ये लो भाई तुम भी खाओ। तो चकुंदर के पत्ते हैं जी, वैसे भी जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, और ये पत्तों से जो है जी इनमें पानी वगैरह की कमी जो है बर्ड में नहीं होगी, और वैसे भी हेल्दी है ये चीज़ें, तो ये देना बेहतर है जी कुछ दवाइयों वगैरह से, या कुछ और देने से बढ़िया है कि जो है नेचुरल चीज़ें हम दें इनको। तो आजकल जो सेंटिनेंट है जी हमारे बहुत कम ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक ना एक दोनों में से अंडे पर बैठा रहता है, और इसी वजह से अकेला कोई भी बाहर नहीं आता ज़्यादातर, थोड़ी देर को आएगा तो ये भाई साहब जो है हमारे लड़ने शुरू हो जाते हैं आपस में इनके साथ, तो ये बड़ा चक्कर रहता है इनके। तो ये जंगली कबूतर का जोड़ा है जी, ये आसपास ही रहते हैं, आपने देखा होगा बाहर भी यहीं पर हमारे जो है बाउंड्रीज के ऊपर बैठे रहते हैं, अब वहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि कारण ये है कि इस जोड़े ने जो हमारे घर में ही जी इन्होंने घोंसले की तैयारी कर रहे हैं ये। लो जी रिदु भी आ चुकी है जी ऊपर, हेलो करो सबको। हेलो। तो आप सभी को हेलो कह रही है जी रिदु, रिदु को बड़ा शौक है, दिन में एक बार जरूर आती है जी ऊपर सेटअप पे, और सभी को देखेगी खेलेगी कूदेगी, है ना। राजा कहाँ है, राजा को मिलने आए हो, किसको मिलने आए हो आप? वो देखो वो रहा राजा, पकड़ना नहीं बेटे अभी तो बाहर आया वो, बस इसको यही रहता है इसको पकड़ो मुझे दो मैं इसको प्यार करूंगी ऐसे ही। कोई नहीं अभी अभी जब बंद करेंगे ना तब मैं आपको, तब आप प्यार करना है इसको, ठीक है? पकड़ लो। चलो पकड़ लेंगे कोई नहीं, पकड़ लो। अभी नहीं बेटा अभी ये घूम रहा है ना,
बस बच्चे तो बच्चे हैं जी, नहीं अभी तो अभी नहीं भागना, नहीं उसके पीछे और आगे नहीं जाना वहां से आगे, ठीक है। आवाजें काई की आ रही है अंदर। अच्छा जी ये लो जी, तो ये बैठे बैठे थक जाते हैं, आने की इच्छुक है ये बाहर। रिदु इधर आ, ओ किनारे पे चला गया। आ जाओ आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ आगे नहीं जाना, इधर आ रिदु जल्दी आओ। ये इसके पीछे पीछे आगे ना चली जाए, मैं इधर ले आता हूँ तो जिसको पीछे कर दूं मैं। लो जी घूम के पहुंच गया वहां पे, नहीं आएगा तेरे हाथ में, नहीं आएगा ये तो, मेरे से भी नहीं पकड़ा जाता। हाँ, मैं पकड़ता हूँ, चल ठीक है। आजा राजा ले आजा, वो देख वो तो नीचे चला गया। अंदर रिदु अंदर आजा। ओ वो तो नीचे चला गया, अब कैसे पकड़ू। आजा राजा आजा, नहीं आ रहा वो, नहीं आ रहा बेटा। तो ये जी बस अपना देखो, दोनों के दोनों बस पंख फटफड़ाए और वापस जो है मेरे ख्याल से कबूतरी अंदर जाके बैठ गई है फीमेल जो है। हाँ जी तो ये है जी, इनको भी मैं खोल दूँ, खोल ही देता हूँ, के जाना होगा तो आ जाएंगे, मुर्गियों को तो मैं बंद कर ही दूंगा। आ जाओ रिदु आ जा इधर। वो देखो जी इसने मारा, ए आ गया मेरे हाथ पे, उसने जैसे इसको मारा और मेरे हाथ पे आके बैठ गया। बच गया तू है ना, पंगे नहीं, ओए तू पंगे ना लिया कर मोटू। तो अभी मोटू ने जो हमारे बच्चे को इसके ऊपर अभी कर दिया था जी अटैक। आजकल गर्मी भी लग रही है इसको और देखो जी कैसे खड़ा हुआ है, सीना तान के खड़ा हुआ है हमारा मुर्गा। ये देखो तेरे को अभी मारा था उसने, है मारा था है। देखो जी अभी जैसे उसने चोंच मारी तो मेरे हाथ में आके बैठ गया, ये तो बच गया, कहीं इसको मारता तो ये बड़ी गड़बड़ करते, ये भी और ये भी, ये पहले भी ऐसा करते रहे हैं। आजा बेटा आजा आजा आजा। लो जी रिदु को लेके आया हूँ जी अंदर लटका के, मैं ये नहीं मानती, इधर उधर दौड़ रही थी, वो देख राजा बोरा। ओए 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 क्या कर रहा है इसने, इसने पैर मार दिया। ये पता नहीं क्यों लड़ता है जी, इसका पता नहीं क्या चक्कर है, मैंने कई बार देखा है अन्नू के साथ भी इसने गड़बड़ की, अभी इसने जो इसको भी मारा रही दिमाग को है ना, एकदम से इसने इसके पैर के पास पता नहीं शूज को देख के इसने क्या समझा। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो इसकी सिरकी है ना ताज है जी, ये थोड़ा पलटा हुआ है ना, इस वजह से इसको पता नहीं लग पाता है, ये सोचता पता नहीं क्यों डरता रहता है, क्योंकि मारता है ना इसको शायद इसको गलत फहमी होगी। और रिदु को एकदम से मारा, तो मारा तो नहीं आपको बेटे इसने, नो ऐसे नाक में नहीं, बोलो मारा तो नहीं आपको, मारा तो नहीं। ये देखो जी अब इसमें जाके चले गए राजा की केज में जाके, बोलो हाँ ये दोनों के दोनों नीचे पहुंच गए जी। ये बड़ा गड़बड़ करता, तेरी पिटाई करूंगा मैं, तू मारा ना कर, तू इसी के हिसाब से सेट रहता है, ठीक है जी। इसके ऊपर ये बॉस है ना, यही ठीक है, क्योंकि ये जो है थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है आजकल, पता नहीं क्या चक्कर हो गया था। हाँ लो जी तो रिदु भी इनको खाने को, आगे को देना आगे को। हाँ जी अब खा रही है जी मुर्गियां हमारी, बेटे खाते हैं खीरा है ना, तो मुर्गियों को खीरा है जी, ये साथ में है जी। ओए 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 ये कर क्या रहा है तू, तेरे में रुक जा ठहर, चल भाग यहाँ से। ये रिदु को पता नहीं क्यों मारे जा रहा है आके, पता नहीं इसके शूज को देख के कर रहा है जी, कुछ ऐसा होता है आप लोग बताना जी। इसके शूज पिंक कलर के हैं, पता नहीं इसको क्या गलत फहमी हो रही है, आज तक तो इसने कभी ऐसा नहीं किया हमारे साथ कभी भी, पता नहीं क्यों रिदु के शूज पे ही अटैक सा करे जा रहा है। ये बड़ा चक्कर है, बच गया जी, अगर अकेली आए तो ये तो गड़बड़ कर देगा आगे पीछे है, इसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो गलत चक्कर है ना। हाँ जी इसको मुर्गे को ये आपको मार रहा था बेटे, अभी आपके ऊपर नहीं आ गया था एकदम से ये मारने। मार ये देखो ये देखो, नहीं 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 डरा रहा है। नहीं कोई नहीं, मैं इसको हटाता हूँ, इसको बंदी कर देते हैं, चलो चल भाई चल तू अंदर ही चल। ये नहीं मान रहा जी, ये लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो इसको बंदी करो, इसकी सजा ये है कि ये रहेगा इसके अंदर, ठीक किया बंद कर दिया इसको। यस yes, हाँ yes. ये तो गड़बड़ कर रहा है, मेरे रिदु को मार रहा था है ना, रिदु को मारने लग गया आ गया था। हाँ क्या वो नहीं लड़ता, वो अच्छा है, वो फिर भी नहीं लड़ता। नहीं कौन सा छोटा बेटा, अच्छा वो तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा लड़ता है, ये देखने में छोटा है, ब्लैक वाला। अच्छा ये वाला बोल रहे आप, ये हाँ ये मुर्गी है, वो मुर्गा है, ये मुर्गी है, ब्लैक वाला नहीं लड़ता है। हाँ जी तो ये रिदु कह रही है इसको, मुर्गी को कह रही है कि ब्लैक वाला लड़ता नहीं है। नहीं बाहर नहीं जाना, इधर आ जाओ, चलो चलो चलो,
ये देखो जी बाहर देख रही है, ये बाहर ना निकल जाए। हाँ जी मुर्गी को देखो। हाँ नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मैं इधर कर लेता हूँ। तो रितु बड़ा ध्यान रखती है जी, उसको पता है कि हाँ बाहर नहीं जाने चाहिए, है ना, नहीं तो पूरे फिर ये कैसे पकड़ेंगे हम इनको, है ना। तो ये दोस्तों शाम का वक्त है जी, रितु भी आ चुकी है, खेल कूद रही है इनके साथ, बढ़िया अच्छा टाइम बीत रहा है और बच्चों को भी एक अच्छे। नहीं 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 लड़ना नहीं भाई, राजा भी आ गया, राजा को, अरे राजा अंदर आ जा। नहीं बेटे थप्पड़ नहीं मारते, वो गंदी बात है, कोई नहीं मैं उसको हटा दूंगा। खैर ये थप्पड़ मार दो मुर्गे को। तो जी शाम का वक्त हमारा बड़ा अच्छा बीतता है जी, इधर आप देख सकते हैं सारे बर्ड्स खुले हैं, रिधु भी आई हुई है और साथ साथ जी अपना इनको भी दाना पानी सबको हो चुका है। और वो देखो जी अंडे को भी नीचे को किया इसने कबूतरी ने ना, ये देखो जी सेट कर रही थी थोड़ा सा अंदर को ना रोल करके। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी का शौक भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, आपके सभी के बर्ड्स पैट्स सभी ठीक होंगे जी, यही उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी स्वस्थ रहें और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त रहें। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।